न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड स्थित एमजी स्कूल भिलाई में नए शिक्षा सत्र में प्रतिदिन बच्चों को घुड़सवारी और आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण देने जा रहा है। अनेक आधुनिक तकनीकों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के लिए विषयों को रोचक और मनोरंजक बनाया जा रहा है। कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में कंप्यूटर, वैदिक गणित, प्लेटो क्लास के द्वारा छात्रों के सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ाई जा रहा है। आइए देखते हैं एमजे स्कूल में नए शिक्षा सत्र में प्रारंभ किए गए विशेष सुविधा डे बोर्डिंग के बारे में स्कूल की प्राचार्य श्रीमती लक्ष्मी शंकर से ग्रैंड एशियन न्यूज की खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, शिक्षा धानी भिलाई, जी हाँ, एजुकेशन हब भिलाई कहलाता है। इसमें ऐसी कई स्कूलें हैं संचालित की जाती है। जब एजुकेशन हब है तो स्कूलें भी कई ऐसी हैं जो अपनी मिसालें पेश की हुई है। उन सब स्कूलों में हम एक नाम लेंगे एमजे स्कूल का। जी हाँ, एमजे कॉलेज के बाद अब एमजे स्कूल इस बात नगरी में संचालित किया जा रहा है। ये एमजे स्कूल एक अपने आप में ऐसा अनूठा स्कूल है कि बच्चों को यहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ के लिए पारंगत किया जाएगा। एक घर का माहौल बच्चों को दिया जाएगा। ये सब बातों के बच्चों को इस तरह सुविधा मिलेगी। अब बच्चे क्या कैसे किन एक्टिविटी से भाग लेंगे, ये सब जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं एमजे स्कूल। और उनकी प्रिंसिपल मैडम लक्ष्मी शंकर मैडम जो है, उनसे हम चर्चा करेंगे। ये बताएंगे हमको कि स्कूल में बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या उनके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई है। तो मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू। यहाँ पे स्कूल में एक्चुअल में हम लोग एक डे बोर्डिंग का एक प्रोविज़न रखे हैं, जिसमें बच्चों के लिए पूरी तरीके से बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। साथ में बच्चे यहाँ पर सुबह आकर शाम तक रह कर ही जाएंगे, जिसमें उनको यहाँ पर सारी होमवर्क से लेकर उनका एग्ज़ाम प्रिपरेशन सारी चीज़ें यहीं स्कूल में कराया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं रहेगा कि बच्चे जैसे घर में पेरेंट्स को जिस तरीके से बैठकर उनके पीछे लगकर उनको सारा कराया जाता, वैसे ही टीचर जो भी सब्जेक्ट का रहेगा वो सब्जेक्ट टीचर बच्चों के साथ बैठकर बच्चों को वो सारे प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज उनको कराएंगे। उनका नेक्स्ट डे अगर होमवर्क है वो होमवर्क कराया जाएगा। उनका जो भी कुछ स्कूल का दिया हुआ टास्क रहेगा वो सारे स्कूल में ही टीचर्स उनको करा देंगे। मैम, बीच से बोलना चाहूंगी कि जैसा आपने डे बोर्डिंग इसका थीम रखा है, इसका नाम रखा है, प्रयास किया है, तो डे बोर्डिंग है क्या, बच्चे यहाँ किस तरह आएंगे और उनको किन किन एक्टिविटीज में पारंगत किया जाएगा? बच्चे जैसे सुबह आने के बाद उनका एज यूजुअल क्लासेस तो रहेंगे, तो वो स्कूल कंप्लीट 1:30 बजे जो भी टाइम स्कूल आज में वो ख़त्म होने के बाद बच्चे यहाँ, उसके बाद यहाँ स्टे करेंगे। स्टे करने के बाद यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चे जैसे हॉर्स राइडिंग कुछ एक्टिविटीज़ रहेंगे जो उस दौरान बच्चे जब यहाँ पर स्टे करेंगे उनके लिए अलग से बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए अलग एक रेस्ट रूम भी एक का प्रोविज़न हम रखे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ बच्चे जो है हॉर्स राइडिंग से लेकर बच्चे कैरम से लेकर इवन स्केटिंग, इंडोर आउटडोर बहुत सारे एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए हम लोगों ने प्लान आउट किए हुए हैं, जिसमें मेनली जो है हॉर्स राइडिंग, स्केटिंग, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, ये सारे एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को स्कूल में ही प्रोवाइड किया जाएगा। जो बच्चे जिसमें इंटरेस्टेड, ये नहीं कि किसी को भी किसी में भी दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं, जो भी एक्टिविटी बच्चे इंटरेस्टेड है वो सारी एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। बाय दी स्पेशल कोचेस उसके लिए हम लोगों ने अपॉइंट कर रखे हैं। जैसे डे बोर्डिंग, अक्सर बोर्डिंग में रहते हुए बच्चों को यह है कि उन्हें वहीं रहना पड़ता है, ये डे बोर्डिंग आपकी स्कूल की जो पहल है, बच्चों को दिन भर यहाँ पर परिवार का माहौल मिलेगा, पारिवारिक माहौल में एक्टिविटीज में भाग लेंगे। आपने ये पहल क्या सोच करके आपने शुरू की है? जैसे कई वर्किंग माता पिता होते हैं उनके लिए तो एक बहुत ही सुविधा होगी। जी, आपने सही कहा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जब यहाँ आते हैं तो उन लोगों का ये सोचना रहता है, अरे बच्चा यहाँ करने के बाद कितने बजे वापस जाएगा। सपोज़ बच्चा 7 बजे आता है, जब 2:30 बजे या 1:30 बजे घर लौट कर जाता है तो पेरेंट्स वर्किंग रहते हैं, घर पे कोई भी नहीं रहता, बच्चों को कौन देखेगा, क्या है क्या नहीं, बहुत सारी ये सारी परेशानी। अब पेरेंट्स को ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि उन लोगों को यहाँ वो सारी सुविधाएँ, जैसे जो भी ड्यूटीज़ जो पेरेंट्स के रहेंगे, वर्किंग पेरेंट्स बाहर रहेंगे तो उनका स्पेशल केयर हम लोग यहाँ पर उनके बच्चों का स्पेशल केयर लेते हुए हम लोग उनको सारा ध्यान, मतलब एक फैमिली शॉट ऑफ, उनको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं हम किसी स्कूल में हैं, उनको एक घर जैसा माहौल देते हुए उनका ओवरऑल डेवलपमेंट पे हम लोग पढ़ाई से लेकर एक्टिविटीज़ जो मैंने पहले ही बताई, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर प्रोवाइड, ये स्पेशली वर्किंग पेरेंट्स के लिए है, उनके बच्चों के लिए है। मैडम, जैसे बच्चे दिन भर यहाँ रहेंगे उनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह का यहाँ पर व्यवस्था की गई है, उनके सुरक्षा के मापदंडों पर स्कूल कैसा खरा उतरेगा? आमतौर पर स्कूल की कई सारी ऐसी न्यूज़ खबरें देखने को मिलती हैं, उस पर पेरेंट्स को पूरी तरीके से निश्चिंत होना
रहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग वो सारी चीज़ों को बहुत स्पेशली माइन्यूटली हम लोग ध्यान देकर उसके लिए सारे जगह में हम लोगों ने फीमेल स्टाफ मैक्सिमम हम लोगों ने उन सब चीज़ों के लिए फीमेल स्टाफ का ही अरेंजमेंट किया हुआ है। और इसके साथ साथ दूसरा जो है हमारे यहाँ पे जगह जगह पे हर जगह पे हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, जो बच्चों के हर एक्टिविटी पे, इवन मैं एज ए प्रिंसिपल अपने चैम्बर में बैठकर, इवन मैं बाहर भी जाके देखती हूँ, लेकिन जब मैं अपने चैम्बर में हूँ तो मैं अपने सीसीटीवी का स्क्रीन में कंटिन्यूसली मैं मेरी नज़र रहती कि बच्चे अगर कहीं मूव हो रहे हैं, नहीं है, क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं रहा, इन सारे एक्टिविटीज़ पर मेरी नज़र सीसीटीवी के थ्रू पूरा मैं देखते रहती हूँ। शहरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, जो बच्चे, जो माता पिता इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों के एडमिशन और स्टडी को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? ये सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, जो अगर अभी परेशान है ये सोचकर कि कहाँ डाले हमारे बच्चे को कोई ऐसे जगह, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि पूरी तरीके से बहुत दूर दूर अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में डाल देते हैं, तो उन सब पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये एक ऐसा सुविधा जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चे दिन भर उनके एब्सेंस में बच्चे हमारे स्कूल में रहेंगे, जब वो घर आएंगे बच्चे भी उनके साथ घर में आएंगे, उनके साथ रहेंगे, देन अगेन वो स्कूल आएंगे, तो इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली आप बच्चा स्कूल भी करेगा और आपके साथ भी एक फैमिली में वो प्रेजेंट रहेगा, तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। हमारा स्कूल ये इन सबको ध्यान देते हुए ही ये बोर्डिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया, डे बोर्डिंग फैसिलिटी। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कई सारी बातें हमको बताएं स्कूल से जुड़ी हुई और बच्चों को किस तरह पर यहाँ पर एक्टिविटीज़ में पारंगत किया जाए ये बताया, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये थी प्रिंसिपल मैडम, एमजे स्कूल की प्रिंसिपल मैम लक्ष्मी शंकर मैम, उन्होंने बताया है डे बोर्डिंग स्कूल जो स्टार्ट की जा रही है, बच्चों को यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल, पारिवारिक एक ऐसा माहौल मिलेगा जो सभी एक्टिविटीज़ में पारंगत होंगे, हॉर्स राइडिंग से लेकर सभी कोचिंग से, बच्चों को सिर्फ मतलब बैग रख के यहाँ जाना है, वो घर अपने सिर्फ माता पिता के साथ सुनने, आराम करने और दिगर बातें करने जाएंगे। तो एक आप सबसे अपील है कि एमजे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं और एक पारिवारिक माहौल में अपने बच्चे का भविष्य बनाएं।